आप सब कैसे हो? मजे में होंगे, खुश होंगे, यही आशा करती हूँ। और आज है संडे, तो आज संडे है तो आज जाना है चर्च में, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह उठे और फटाफट तैयारी में लगे। तो चाय के साथ मैं सोची चलो आज आप लोगों को बहुत दिन से आपके साथ चाय नहीं पी हूँ, तो चलो साथ में चाय पीते हैं और थोड़े सी ब्रेड वेड खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ बैठ बैठ के ना फिर भूख लगने लगती है। इसलिए हम लोग दो ब्रेड के स्लाइस को थोड़ा सा बटर वटर लगा के, मस्का लगा के, थोड़ा चीज़ लगा के फिर वो फ्राई कर लेती हूँ, यानी टोस्ट कर लेती हूँ और हम लोग खा लेते हैं। और उसके साथ फिर उसके बाद फिर हम लोग चर्च निकल जाएंगे और आने के बाद फिर खाना खाते हैं। संडे रहता है तो ज़्यादा हेवी नाश्ता वगैरह कुछ करते नहीं, सिर्फ ब्रेड ही खाते हैं। तो चलो आप सब भी हमारे साथ ब्रेड और चाय के लिए आ जाओ। और चलो अभी बहुत दिन के बाद आप मेरे साथ चाय नहीं पिए ना, चलो चाय की सिप ले लो। अरे ये मेरी चाय। अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च में, तो आपको दिखा देती हूँ हमारा रास्ता। ये रास्ता तो आप सभी ने बहुत बार देखा है, ये सुभाष नगर है हमारे नागपुर का, और यहाँ तो अम्बाझरी पे थोड़ा सा यानी पिकनिक स्पॉट के जैसा बना के रखा है, तो यहाँ से ही हमको जाना पड़ता है। और देखो हमारा नागपुर, मेरा नागपुर मुझे बहुत पसंद है। हमारा नागपुर कैसे साफ सुथरा है, बाकी कहीं भी जाओ ना तो बहुत ऐसे गंदगी दिखती है, लेकिन हमारे नागपुर में इतना गंदा नहीं, और स्पेशली हमारे साइड के एरिया में तो है ही नहीं गंदगी, एकदम साफ सुथरा दिखता है रोड भी, और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। पहिल्यांदा कैमेरा सुरू नव्हता केला। गुड मॉर्निंग, कसे आहात सगळे? मजेत आहात ना? मजेतच असायला पाहिजे। तर चला आता आपण, आज संडे आहे, दादा खोकलत आहे माहित नाही काय झालं तर, आणि आता चर्च मध्ये चाललो आणि रस्ता पण दाखवला मी तुम्हाला आता याच्या पूर्वी। आज सकाळपासूनच तिथं त्या आमच्या म्हणजे तो असा व्ह्यू पॉइंट आहे ना, तिथे लोक जमा झाले, थोडंसंच पाऊस आला, जास्त काही पाऊस नाही आला। जेव्हा जास्त पाऊस येते तेव्हा तो इथे ओव्हरफ्लो होते, पण आता अगदीच सुरुवात झालेली आहे, त्याच्यामुळे ओव्हरफ्लो वगैरे काही नाही, पण लोक तरी पण संडे असल्यामुळे भीड करतच आहे आणि सगळे जमा झाले होते। तर मी थोडं दाखवलंच तुम्हाला याच्या पहिलीच्या क्लिपमध्ये। तर चला आता जाऊ आपण चर्चमध्ये तुम्हा सगळ्यांसाठी प्रेयर करायला, आमच्यासाठी पण। हा सिव्हिल लाईनचा एरिया आहे आणि खूप सारे झाडं आहे इकडे, आणि हिरवळ तर खूपच आहे आमच्या नागपूरमध्ये, तर मी राहते पण झाडं खूप आहेत आणि नवीन नवीन पण लावलेले आहेत, आणि काही तर खूप खूप 25-30 वर्षापूर्वीचे पण झाडं आहेत, त्याच्यामुळे इथे थोडंसं कूल वाटते। आणि हा चर्चच्या जवळचाच भाग आहे। और अभी हम लोग पहुंच गए चर्च में, इंग्लिश सर्विस चालू है अभी, वो छूटने की है। तो ये इस टाइप का ही हमारा चर्च है, आप लोगों ने देखा ही है क्रिसमस को वगैरह। और ये देखो भिखारी भी आके बैठे रहते हैं यहाँ पे। फ्रेश लगता है ना सुबह सुबह नहा धो के आओ तो। अभी हम लोग आज जरा जल्दी आ गए, ज़्यादा ही जल्दी आ गए, हमें शाम को लेट होता है, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो आज जल्दी निकलते, तो जरा जल्दी हो गए। और अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे चर्च के बाजू में, ये देखो। और अभी फिर से हम लोग बैठ गए मेट्रो स्टेशन पे, और ये है कस्तूरचंद पार्क का मेट्रो स्टेशन। देखो अभी हमारी रेलवे ट्रेन आई थी, रेलवे बोल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग गलत लिफ्ट में चले गए, तो पता नहीं था ना, फर्स्ट टाइम आए, तो इसलिए हमारी वो चली गई। और अभी कुछ नहीं है अभी, लेकिन रुकना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से वहाँ तक के, ये यहाँ तक ही बन गया है स्टेशन, और इसके आगे बनने के हैं। तो हमने सोचा चलो चर्च जाते समय तो भैया के साथ गए थे, लेकिन फिर भैया की ड्यूटी थी तो भैया चला गया, तो हम लोगों सोचा चलो मेट्रो से ट्राई करते हैं, इसलिए मेट्रो स्टेशन पे आ गए। काही नाही, आता बसलो हो, आता थोडं बाहेर जायचं प्लॅन केलेलं आहे, जेवायला जाऊ म्हटलं होतं बाहेर, तर तयार होऊन बसलेलो, आता थोड्या वेळात दादा आला की मग आम्ही जाऊ।
आणि आता इतक्यात आज आमच्या नागपूरला पाऊस आला. खूप दिवसानंतर पावसाची प्रतीक्षा होती खूप दिवस, पण आज थोडासा झाला, जास्ती काही आला नाही, पण ठीक आहे, थोडंसं कूल वाटायला लागलेलं आहे. तसा खरखर खरखर आवाज तर कूलरचा तुम्हाला येतच असेल, काही दिवस सहन करायचा. आणि सबस्क्राईब वगैरे करा ना बाबा, कितीदा सांगावं, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि आवडला व्हिडिओ तर शेअर पण करा. आणि असं जर केलं तर मग पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ टाकायची माझी इच्छा होईल, व्हिडिओ बनवायची इच्छा होईल अजून तुम्हा लोकांना इकडे तिकडे. आता पावसाचं आता फिरायला जाऊच आपण, कारण पावसाचं वेदर म्हणजे मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी आणि कूल कूल थंड थंड आणि मस्त रिमझिम रिमझिम पाऊस येत राहतो, तर किती मस्त वाटते ना फिरायला. आणि मला आवडते पावसात म्हणजे भिजायला फिरायला, जास्त भिजत वगैरे नाही, कारण कपडे असले तर ठीक आहे, नाही तर मग ते ओल्या अंगाने गाडीमध्ये बसाना तर ते एकदम कपडे चिपकून जातात, निघतही रे लवकर आणि मग कसतरीच वाटते. पण थोडं थोडं बारीक बारीक पावसात भिजायला चांगलंच वाटते. तर आता चला मग आता जाऊ आपण सगळेजण. आता किती वाजले? आता वाजले 8:05 कमी, 8 वगैरे निघू आता. आणि तयार होऊन बसलेलो आता, वाट पाहत आहोत त्यांची, ते आले की मग आम्ही निघणार. भेटू मग तिथे हॉटेलमध्ये. और अभी निकले हम लोग, 9 है और अभी निकले खाना खाने के लिए. चला तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवण करायला. आपण कुठे जाऊ ते तर अजून काही ठरवलेलं नाही आहे, पण कदाचित विचार करत आहो की सावनेर रोडवर जाऊ आणि तिथे मस्तपैकी ताव मारू. आणि मंता मागे बसलेली आहे, दादा गाडी चालवत आहे, मंता अंधारात दिसत नाही, ती तुम्हाला हाय म्हणत आहे आणि दादा पण गाडी चालवत आहे. आणि चला आता रात्रीचं नागपूरचं दर्शन घेऊ आपण. और ये मिस्टर हिस्ट्री बोल रहे, मैं भी हूँ. दिख रहे अंधेरे में, दिख नहीं रहा वैसे, मैं सामने का थोड़ा सा लाइट लगा रही तो मैं दिख रही हूँ, लेकिन ठीक है ना, वहां जाने के बाद देखेंगे. ये देखो इधर के साइड से देखते हैं. और बीच की लाइट भी है ना, जलाओ ना उसको, कैसे जलाती है भूल गए क्या? हाँ ये देखो अभी आ गए, अभी आ जाओ. ये देखो हाय बोल रहे हैं और लाइट इस पे नहीं है. चलो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? रोड पे जा रहे हो, देखते हैं कौन सा होटल अच्छा लगता है वहीं पे जाएंगे ना. हाँ, और रूपक किस्ती का ही फ्रेंड है और रूपक किस्ती बता नहीं रहे कि कहाँ जा रहे हैं. अपन बर्थडे में जाएंगे क्योंकि अपन ऑलरेडी बर्थडे में जा रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए, तो वैसे और आगे गए तो बहुत से होटल है. ये सदा जी का होटल है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग अच्छा लगेगा वही जाएंगे. अब देखेंगे जो होस्ट है उनको पूछ लेंगे. वैसे मैं पता है कि इनको मैं जिस होटल में गई हूँ और इन लोगों को नहीं लेके गई थी उसी होटल में लेके जाने वाली हूँ, लेकिन देखते हैं अगर उधर का ट्रैफिक वगैरह कैसा है. अगर ज्यादा ही रेट दिख रहा है अपने को गूगल पे तो वहाँ पे नहीं जाएंगे और जहाँ खाली रोड है वहाँ चले जाएंगे. और ये भी व्हाइट शर्ट पहन के आया और मैं भी व्हाइट लगी सबको. तो खाने का टाइम हो रहा है, 9 रहे है. हाँ थोड़ा लेट हो गया हमारा प्रोग्राम, पहले हम लोग 8 जाने वाले थे, लेकिन जिसके साथ जा रहे हैं उनको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो उन्होंने कहा कि अपन लोग 9 जाएंगे. तो फिर भी कोई बात नहीं है, वैसे भी 9:30 ही अपन खाना खाते हैं, कौन सा इतना 7 खाना खाने लगे है. तो इसलिए हमने हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया और अभी हम लोग जा रहे हैं बर्डी. तो चलो बर्डी, बहुत कम जाती हूँ मैं रात को जा रही, तो इतना कुछ बर्डी दिखेगा नहीं आपको, लेकिन बहुत कम जाती हूँ क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है बर्डी पे. और हमारा कैसे इधर का खुला एरिया है तो यहाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है. तो चलो चलते हैं बर्डी, आप भी चल रहे हो. फूड बियॉन्ड ऐसा कुछ क्या है नाम, देखती मैं. फूड बियॉन्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है पता नहीं, इतना कब हार्ड नाम रख क्या. और अभी हम लोग जा रहे हैं, अच्छी है गाड़ी वाड़ी रखने के लिए, पार्किंग के लिए जगह है और ज़्यादा क्राउड नहीं है, थोड़ा खाली खाली है. देखते हैं अभी अंदर जाके, और सब लोग फोटो निकालने में बिजी है. मैं नीचे देख रही हूँ क्योंकि सीढ़ी है, नहीं तो इधर मैं बात करती रहूँगी. और हो गया काम तमाम, तो इस तरह से अभी पहुंच रही है. और ये देखो रूपक, और देखते हैं जगह है जगह में. हम लोग 3-5 लोग, हाँ लगा दो
नहीं नीचे ही, अच्छा ठंडा ठंडी में बैठेंगे ना। तो देखो ये इस टाइप का है, सीधी बच्चे भी खेलते हैं। ये है मिस्टर का, अच्छा होटल है, सावनेर रोड पे है, फूड भी अच्छा है। और एक बार आ चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी ये लोग नहीं आए थे इसलिए इनको लेके आई। और ये देखो बच्चे किससे खेल रहे। और ये है चिली चिकन और पनीर कुछ तो भी है, पता नहीं नाम भूल गई। और ये देखो ये भैया का वेज, लेकिन बहुत टेस्टी है, आ जाइए आप सब भी। और ये लोग खा रहे हैं, और ये स्प्रिंग रोल मंगाए। और ये है चिकन अंगारा, और ये है दाल तड़का, और पनीर है, पनीर ये पनीर है, ये चिकन है, ये पनीर है, कंफ्यूज हो रहा, दोनों सेम दिख रहे हैं। और ये लोग खाना नहीं खा रहे और सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, कंटिन्यूस बातें। हाँ खाना कैसे? बहुत टेस्टी। यानी आप आ सकते हो इस होटल में, और भैया भी दबा रहा है। कैसा है जेवन? एक नंबर है बोल रहा भैया। और ये भाई साहब तो बातें ही कर रहे हैं। आता आम्ही आलेलो आहो बूस्टर डोस घ्यायला, म्हणजे दोन तर घेतले होते, तिसरा घ्यायसाठी आलो। आणि हा दुसरा दिवस आहे, तर दुपारीच मग आम्ही अपोलोमध्ये गेलो आणि आमचा जो बूस्टर डोस होता तो घेऊन घेतला। म्हणजे करोनाची अजून काही जास्त भीती बाळगायची म्हणजे गरज नाही। और अभी आई हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा कुर्ता है ना बहुत टाइट हो गया था, तो ये भैया के पास आई। धर्मपेट में अगर किसी को सिलाई विलाई लगानी है, ड्रेस को अल्टर करना है, तो ये भैया अच्छे से करके देते हैं। ये देखो मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी के बाजू में है, बस मीनाक्षी के सामने ही है, ये इधर के साइड में आई थी ना। ये हल्दीराम है अपना, और यहाँ से ये नजीक ही है, बहुत अच्छे से करके देते हैं। बनता है सांबार वड़े, अभी बन रहे हैं सांबार वड़े। ये देखो वड़े तल रहे हैं, थोड़ा फोकस, कहीं मोबाइल ही कड़े कड़े में नहीं चला जाए। और ये पूरे तलके हो गए, इसकी रेसिपी दिखाने की इसलिए मैं ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि रेसिपी के बहुत चैनल है। और ये है हमारा सांबार, और सांबार बहुत टेस्टी बना है, और सांबार मैंने बनाई, और वड़े वनीता तल रही है, क्या बोलती वनीता, बारिश भी आ रही है। हाँ खा रहे, खाने को बारिश में अच्छा लगता है। हाँ कुछ भी चीज़ें ऐसे बारिश आ रही तो अच्छी लगती है खाने में, जो एकदम यानी हॉट हो, गर्म हो। तो अभी हम लोगों का यही मेनू है, यानी आज का खाना ही हमारा ये है। और ये है लोहे की कढ़ाई हमारी, आप सोचेंगे कि ये कौन सी इंटरनेशनल कढ़ाई है, तो ये इसमें कैसे जलता नहीं जल्दी से, इसीलिए लोहे की कढ़ाई में हम लोग करते हैं। और अभी मैं ढक के रख देती हूँ, और आप सब भी आ जाओ हमारे सांभर वड़े टेस्ट करने के लिए, बहुत टेस्टी बने हैं। तो ये था मेरा आपके लिए छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, यानी पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना कोई ये नहीं, इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस वो जो लाल कलर है उसको काला कर देना है और बेल आइकॉन दबा देना है, उससे जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप सब देख सकोगे। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, सुखानी रहा सोईनी रहा आणि रूपरेखा जिने की रहा बघत रहा, बाय।